इतने सारे गिफ्ट देंगे तो फिर पैसे भी हमारे वेस्ट होते हैं। पैसे वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती ना बेटा। मम्मा ये आपका मॉरल वाला वीडियो नहीं चल रहा, ये मेरा बर्थडे चल रहा है। इतने सारे गिफ्ट्स बेटा। सारे गिफ्ट्स लाने ही पड़ेंगे। कैसे जुगाड़ करूं? आधे गिफ्ट्स तो हो ही गए। आपने इतने सारे लाइक जो कर दिए वीडियो को, और आज तो आप स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब भी करने वाले हो और बेल घंटी भी प्रेस करने वाले हो। अनाया का बर्थडे जो है उसको प्रेजेंट ही देना है। आगे देखते हैं कि मैं आधे गिफ्ट्स का इंतजाम कैसे करती हूँ। लैनू का बर्थडे है, क्या करूं? एनू को इतने सारे गिफ्ट्स कहां से दूं? आइडिया। हाँ, एक काम करो, दोनों ऊपर आ जाओ। मार डाल। हाँ भाभी, क्या बोल रहे थे? पता है कल नाया का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। पार्टी? कल पार्टी होगी ना? कल पार्टी करेंगे, कल मजेदार पार्टी होगी। और कुछ? पार्टी तो होगी, पर तुम लोगों को चार चार गिफ्ट लेके आने हैं। चार एक्चुअली थोड़े ज्यादा हैं, मतलब ये क्या करेंगे बच्चे, चार गिफ्ट का? हाँ, बच्चों को लॉलीपॉप दो भाभी, छोड़ो ना काय के लिए फालतू पैसे मैसे बचाओ अपने, है ना। देखो कोरोना वैसे फैल रहा है, पर कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, मत दो। वैसे तुम लोगों को अनायसा का वीडियो अप्रूव करवाना था ना। आज 8 गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है, लाना है ना, अगर नहीं लाए तो हम गिफ्ट। हाँ, आ दूंगा तेरे ऊपर। तेरे ऊपर ज्यादा है। हाँ चल, है ना, गिफ्ट लेके ही आना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे अब दूसरे बकरे को पकड़ती हूँ। अरे बकरा कहाँ मिलेगा, सीधे भैंस ही पकड़ लाती हूँ, यानी मेरी नन। चलो चलो, मजाक तो हो गया, अब उसे फोन लगा लेती हूँ। अरे श्रुति का फिर कॉल आ गया, पता नहीं क्या चाहिए। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं। अरे सुनाई नहीं दे रहा था, बट दिखाई तो दे रहा होगा ना। ये लो इनविटेशन कार्ड, अनाया का बर्थडे है ना। अब देखो तुम चार लोग तो आओगी, तुम, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे दो बच्चे। तो मैंने सोचा आप बेचारे चार चार लोग आएंगे तो चार चार तो गिफ्ट होने ही चाहिए। तो चार गिफ्ट तुम देना, चार गिफ्ट तुम्हारे हस्बैंड देंगे, चार गिफ्ट तुम्हारा एक बच्चा, चार गिफ्ट दूसरा बच्चा, तो हो गए 16 गिफ्ट लेके ही आना। ठीक है ना, आ जाना टाइम पर, बट 16 गिफ्ट ही लेके आना। बड़ी आई 16 गिफ्ट देना, फिर पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? फ्री में गिफ्ट मिल रही है, कोई भी पकड़ा दो गिफ्ट, फिर गिफ्ट में भी कमी निकालेंगी। वो ऐसी गिफ्ट है, वो वैसी गिफ्ट है, जो आएगी मर्जी वो देंगे। मम्मी का तो भरोसा नहीं है, कुछ लाया ना लाया। आइडिया आया, गिफ्ट मांगना शुरू कर देती हूँ। कार्ड अंकल, कल मेरा बर्थडे है, मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाना। अरे दादी सुनो तो, कल मेरा बर्थडे, बड़ा गिफ्ट लाना। हेलो, क्या कर रही हो? बहन जी, आप तो गोल्ड के बाल लेके घूम रही हो। वो थोड़े बाल हमें मिलेंगे, वो क्या है ना, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो एक आध चेन वगैरह अंगूठी हम भी बनवा लेंगे मेरी बेटी के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। यूट्यूबर्स की हो रही है बहुत कमाई, बना रहे हैं महल। पापा खुद तो महल बना रहे हो, मुझे एक डॉल हाउस तकनी दिला रहे हो। नो बेटा, चवन्नी अठन्नी कमा लेते हैं, ज्यादा कहाँ। ठीक है पापा, और चवन्नी आप रखो, अठन्नी और मैं रख लेती हूँ। चलो मम्मी आद्या को कॉल करते हैं। हाँ, उससे भी तो गिफ्ट मांगेंगे हम। हेलो पूजा, आद्या से बात कराना। हेलो अनाया दीदी। आद्या बेबी, कल आना मेरा बर्थडे, तो आपने गिफ्ट लेके आना। अगर नहीं आई ना तो तुम्हारी चटनी बना दूंगी। चटनी मैं नहीं लाऊंगी कोई गिफ्ट, वो तो मैं तुम्हें देख लूंगी चिंगुट्टी। हैप्पी बर्थडे। हेलो, थैंक यू, वेलकम। अरे पियो दीदी, मेरे लिए गिफ्ट
खिलाया नहीं, गिफ्ट मांग रही है। अरे केक तो काट पहले, जब दूंगी। अरे मैंने इतने सारे लोगों से गिफ्ट मांगा है तो कुछ खिलाना भी तो पड़ेगा। चलो कुछ इंतजाम करती हूँ। बेटा इसलिए तो आपके लिए, देखो ऑफिस में सारे लोगों के लिए डोनट्स मंगाए ना, जाओ सबको डोनट्स खिला दो। ठीक है। तो अनाया आज करने वाली है एकदम ओल्ड स्कूल तरीके से स्वीट डिस्ट्रीब्यूट। तो अनाया आप अपने साथ कोई एक बच्चे को लेके जाना चाहती हो मॉनिटर वगैरह क्लास का? किसको ले जाओगी? पीयू को। कहीं पीयू रास्ते में सारा स्वीट खुद तो नहीं खाएगी? जो कि नजर आ रही है वही है। शर्मा गई पीयू, शर्मा गई का? बुआ कितने शरारती बच्चों को आपने बुला लिया, पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। कोई नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें ऐसी बड़े बड़े शहरों में तो होती रहती है। बच्चों बस दो, चलो मस्ती करो। ज्यादा बकवास मत करो, तीर मार दूंगा। दो साल बाद आई हूँ, कुछ तो खिला दो। प्लीज दे दे, तू तो बहुत बड़ी वाली गुड्डी है। नहीं। चलो आखिर बहन ही काम आई, बनाया नहीं शेयर किया मुझसे। घोड़े के मुँह में उंगली मत कर, अपनी पैंट संभाल। चलो चलो आप सब लोगों को स्नैक्स देने का टाइम हो गया है, और यहाँ पर हम देने वाले हैं आज खांडवी, और ज़्यादा हमने स्नैक्स नहीं रखे हुए हैं। फ्रेंच फ्राइज बच्चों के लिए बन रहे हैं फ्रेश सरसों के तेल में, और बहुत ही यम्मी हो रहे हैं। बिना नमक के भी बहुत स्वाद हो रहे हैं, और मोमो हमारा खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। चलो मोमो कुछ नहीं देंगे। बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज केक कटवा दो। अब ये प्लेट खाली नहीं रहेगी, क्योंकि अब होने वाली है केक कटिंग। केक कटिंग के लिए मैंने जो है मस्त सा केक बनवाया अनाया के लिए, स्पेशली इसमें रास्पबेरी क्रीम जो है भरवाई है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा बट अच्छा ही होगा ये सोच के बनवाई है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक का डेकोर है। तो चलो अब केक कटिंग करते हैं। तैयार करने की बारी हो गई, क्योंकि केक कटिंग जो करना है अनाया ने पहनी है बहुत सुंदर सा प्रिंसेस गाउन, जो स्पेशली मैंने उसके लिए सरप्राइज उसको गिफ्ट किया है, और मुझे पता है कि उसको बहुत पसंद आएगी। बिरयानी सबके लिए, और जो वेज वाले लोग हैं उनके लिए घर में पनीर की सब्जी और अरबी की भुजिया बनी हुई है, जो बहुत ही यम्मी बनाती है। और आप लोगों को मैं चाचा बाबा बोल रही हूँ थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो और चाहते हो कि मैं और इस तरीके की वीडियो बनाऊँ तो कौन बताएगा? अरे आप ही बताओगे ना। वीडियो को लाइक करो, और हाँ खुशियाँ ना बांटने से ही बढ़ती हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो और बेल घंटी को प्रेस कर दो सब्सक्राइब बटन के बगल वाली, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से काफ़ी सारे लोग जो है शिकायत कर रहे हैं कि आप लोगों के मोबाइल पे जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रही,
मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।